ने तो कल अपना फैसला दिया है, होल्ड पे डाल दिया इस कानून को, उसके बाद कमेटी भी बना दी। आप अभी भी नहीं मानेंगे कानून को, असल सुप्रीम कोर्ट की बात? नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट के तो सिरमाथे हैं, पर दो ही तो हम पे चीज है जिसका सहारा, या तो सुप्रीम कोर्ट का या भगवान का, सरकार का तो है नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट की तो हम बात मान रहे, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान कर रहे, पर हमारी लड़ाई तो सरकार से है। हम तो गए ना सुप्रीम कोर्ट, हम तो गए ना भैया, हम तो सरकार से लड़ रहे। कानून संसद में बना तो संसद से कैंसिल कराओगे? सुप्रीम कोर्ट तो लेकिन कह रहा है ना कि आप लोग जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, दिक्कत होगी, इसे हटे। नहीं, हटने के लिए नहीं, मतलब कहने का मतलब यह है कि उसमें याचिका तो डाल दी गई है ना। अब देख भाई, अब तुम पे पैसा, तुम तो कुछ ही जाके कर लो, हम पे तो पैसा ना है वहाँ, दस दस बीस बीस लाख रुपए एक एक वकील को देने को, तो हम तो कोर्ट जाने के ना, हम तो सरकार से लड़ेंगे। और हम पे एक ही अधिकार है, शांतिपूर्वक आंदोलन करना, वो हम शांतिपूर्वक कर रहे, कोई एजिटेशन नहीं हुआ अभी तक। आज तक का इतिहास है इतना बड़ा आंदोलन शांति पूर्व, जिसमें सरकार को या आम आदमी को, किसी को भी एक सुई की नोक के बराबर भी कोई नुकसान ना पहुंचा हो, तो इससे ज़्यादा और क्या करें भाई। तो आप देखिए, ये हम ना तो सुप्रीम कोर्ट पे बोलते ना कुछ कहते, हमारी लड़ाई सरकार से है। हम तो सरकार को घेरने आए, सरकार को ढूंढने आए, 7 साल से सरकार ही ना मिल पा रही हमें तो। अरे अपनी बात कहने आए गए, ये तन्ने काले कानून बनाया है, मारे गले में फांसी का फंदा, मारे बालकों की नस्ल खराब हो जाएगी, जीवन खराब हो जाएगा, इन्हें वापस कराना। सरकार तो कह रही है ना कि हमारे बस की नहीं, अब ये कोर्ट फैसला करेगी। सरकार ने तो अगर इनके बस की नहीं है तो सरकार की कुर्सी खाली करे, कोई दूसरा आवेगा कुर्सी खाली करे। अगर इनके बस की नहीं है, कहो देवलिखित में कि हमारे बस की अब सरकार चलानी नहीं, कोई और आएगा। और भाटिया जी ने जो कल गौरव भाटिया ने बोला है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो जहर फैला रहे हैं, देश भर में नफरत फैल रही है, ये गौरव भाटिया को बीजेपी के प्रवक्ता कल उन्होंने बोला। इन मैं कह दूंगा, फिर वही बात आएगी, ये वही गौरव भाटिया जिसके नोएडा में एक दूसरे एंकर ने चाटे मारे थे, ये वही गौरव भाटिया, तो ऐसा की क्या बात करनी है। ये सरकार तो कह रही है ना, एक बार इस कानून को इस्तेमाल करके देख लो, समझ में ना आए फिर बताना हम वापस करते। क्यों भाई, कानून भी साबुन की टिकिया, पहले या वो फैना है, इस्तेमाल करके देख लो है? कानून कानून होता है, और हम कह रहे हैं ना इसे खारिज कर दो, इसे वापस ले लो और सबको बैठ के दोबारा बना लियो। मोदी जी सरकार क्यों ना मानती? मोदी जी तो देश के लिए काम कर रहे हैं ना, जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, उनका समर्थक तो यही कहता है। और हम कौन सा पाकिस्तान से आए, हम भी तो देश के ही हैं, या इसके यार ट्रंप के देश से आए, अमेरिका से है, या जिसे झूला झूला हुआ था चीन से आए। आज हम, अरे जब सरकार पूंजीपतियों की गोद में बैठ जाएगी तब देश का हर नागरिक दुखी होगा, और वो ये करने हैं। इतनी अच्छी सर्जिकल स्ट्राइक भी की, राष्ट्रवाद पे भी मोदी जी का चल रहा है, तो फिर आपको क्यों भरोसा क्यों नहीं है? सर्जिकल स्ट्राइक इन्होंने करी है, सेना ने करी है, वो काम सेना का, क्यों कौन सा गोला फेंका है भाई हम पाकिस्तान में जाकर? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, लड़े सेना कर दी मोदी ने, बने बनवा दिया किसने? वो तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, इनने कौन सा बनवा दिया? और कहां मैनिफेस्टो में था ना वो, मैनिफेस्टो में था, अरे मैनिफेस्टो में इनकी में था, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 14 दिन के अंदर गन्ने का पेमेंट होगा वरना ब्याज देंगे। कहां गया सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कहां गई सरकार का मैनिफेस्टो, कहां गया? और यही मोदी कहता था जब संसद में गया पहली बार, संसद में माथा टेका और कह रहा था कि 1 साल के अंदर संसद को अपराधी मुक्त कर दूंगा, और उसका उल्टा किया कि जितने अपराधी थे वे सब संसद में भेज दिए, ये करता। देखिए मोदी जो कहेगा उसका उल्टा करेगा, ये लिख लीजिए। जब 70 साल से किसान संपन्न नहीं हो पाया तो मतलब इस कानून को भी आ जाने दो, इस कानून को मतलब लागू हो जाने दो, उसके बाद अरे ये नहीं सारे कर लियो, सल्फास दे दो सबको और सारे मर जाएंगे, अपने आप चलाता रहिए देश, या एक काम कर ले, इस पर सेना हैगी पुलिस हैगी, सब पर गोली चलवा दो, जलियांवाला बाग बना दो,
वो तो कह रहे हैं कि किसान तो समझ रहा है लेकिन उन्हें बरगलाया जा रहा है, किसान मतलब उसे सही दिशा में मतलब नहीं उसे जागरूक किया जा रहा है, गलत जानकारी दी जा रही है किसानों को। ये कौन कह रहा? ये प्रवक्ता कहते हैं बीजेपी के। ये तो कुत्ते हो, ये तो टीवी पर भौंकेंगे, कुत्तों का काम क्या हो भौंकना, कौन पूछ रहा है इन्हें। हेमा मालिनी ने कहा कि अभी किसानों को समस्या ही नहीं पता कि क्या समस्या है, ये यहाँ पहले उससे ही पूछ कहा कि तुझे क्या समस्या किसानों से, उसे पूछ कहा तो नुके उसे बता दो अगर मिल जाता मैं कहीं कि कथक जो है बंबई में अच्छा लगे, मथुरा में नहीं लगने का, मथुरा में तो सांटा रखा, बता दियो सांटा अब किसानों के हाथ तो करती है ना, फोटो तो खिंचवाई थी उन्होंने। अरे यार गमले में पुदीना उगाना और खेत में गन्ना उगाना बराबर ना होता, बता दियो, वरना सांटा रखा आपके, सांटे के ताल पर वो करा देंगे कत्थक आपके मथुरा में। और 26 जनवरी को मतलब ट्रैक्टर रैली होगी, जो एक वो कहा जा रहा है कि भाई देश का इतना बड़ा गणतंत्र दिवस है मतलब होता है, उस पर किसान अगर आएंगे तो पूरी दुनिया में क्या मैसेज जाएगा? तो फिर किसके लिए गणतंत्र दिवस कर रहे हैं भाई? 70% किसान देश में, वो जा नहीं सकता, वो देख नहीं सकता, उसका ट्रैक्टर नहीं चल सकता, तो देश के पैसे की बर्बादी क्यों कर रहे भाई ये? किसे दिखावे? ट्रंप को दिखाओगा या नीता अंबानी का हाथ पकड़ के दिखाओगा, किसे दिखाओगा? ये देश का किसान जाएगा, हमारा पर्व नहीं है, हम नहीं उसे खुशी से मना सकते, हम भी आएंगे ट्रैक्टर लेके। अरे देखिए पहली बार होगा, दुनिया में पहली बार होगा, इधर हमारे जवान का टैंक चलेगा और इधर हमारे किसान का ट्रैक्टर चलेगा, दोनों उस किसान पथ पे बराबर बराबर चलेंगे, तो क्या फर्क पड़ जाएगा भाई? बल प्रयोग किया तो सरकार ने है? सरकार ने अगर बल प्रयोग में रखा, देखिए वो अपनी रखे हम अपनी रखेंगे, वो रोकेगी हम जाएंगे, जलियांवाला बाग जब चाहे जब बना ले। एक फकीर, मोदी जी कहते हैं मैं फकीर हूँ, कुछ अपने लिए नहीं है उनके पास, उनसे लड़ने की वो तो आप ही के लिए करेंगे ना? क्या नहीं है उसके पास, क्या नहीं है भैया? और अगर वो फकीर है तो हर देश का किसान फकीर बनना चाहे, बनाओ वो मशीन हमें भी दे दे, जौन सी मशीन उसे फकीर बनावे। अरे ये राजनेताओं के ड्रामे होते हैं, राजनेताओं की चाल होती है कि कैसे जनता को बेवकूफ बनाए। हमने बताया ना झांसाराम है, आसाराम का चेला झांसाराम है, सिकल दोनों की मिला लेना फोटो में। पीछे तो है नहीं उनके कोई, तो किसके लिए बेमानी करेंगे मोदी जी? अरे रणवे ही तो ज्यादा नाश करें घर का मेरे जैसे भाई, जिस घर का मुखिया रंडवा होगा उस घर का नाश होगा 99%, एक आध कोई लिकट जा ठीक ठाक तो बात अलग है। अच्छा, और तो यहाँ तो देश दे दिया रंडवों के हाथ में, तो ये गलत किया मतलब? मैं कह रहा बहुत गलत हुआ, एक वो खच्चर बैठा हरियाणा में, उसने सड़क खुदवा दिया, हाईवे खुदवा दिए, क्यों भाई क्यों खुदवा दिया? देश की संपत्ति का नुकसान किसने किया? खच्चर ने, तो देश द्रोह का मुकदमा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? 26 जनवरी पर लोग परेड में शामिल ना हो सके इसलिए उन्होंने खुदवाया है। अरे जब हम हाथ से आ रहे थे पंजाब से, 10 फुट गहरा खुदवा दिया था है, और वे तार लगवा दिए जो पशुओं के लिए नहीं लगते, जंगली जानवरों के लिए नहीं लगते, वो इंसानों के लिए तार बंधवाए ब्लेड वाले है, बड़े बड़े वे खड़े करवा दिए, लाठी आंसू गैस पानी की बौछार, एक रह गया था वो बोफोर्स का तोप का गोला और चला देते होंगे को, वो भी रोक लिया था। ये सारी चीजें व्यवस्था की गई कि किसान दिल्ली में ट्रेन कर सके। अरे यार हम ना आने के दिल्ली में, इसमें जो है पासपोर्ट जारी करवा दो दिल्ली में, फिर हम अपना वीजा लेके आया करेंगे, क्यों ना लगाते पासपोर्ट लगा दो भाई, दिल्ली इन्हीं के बाप की है, लुटियन जोन में यही रह सके है, हम ना जा सकते उसमें? अरे हम भी देखेंगे कितनी खूबसूरत है दिल्ली, जो ये सारे जो भी नेता दिल्ली आ जाना ही ना चाहता, तो इसका मतलब दिल्ली में है तो कुछ जरूर, और अब के जो है देश का किसान उस चीज को देखेगा जरूर। अभी किसानों की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा है, इस वजह से अभी किसानों को दिल्ली में एंटर करने को मना कर रहे हैं। ऐसे हालात देश में पैदा क्यों किए गए कि किसानों को इकट्ठा होना पड़ा, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? संशोधन करने के लिए तैयार हैं तो मान जाइए। अरे जब मेरी बाउंड नीचे से नींव ही खराब है तो महल बना के क्या करूं, कदियों गिर जाएगा?
तो अब तो कमेटी बना दी गई है, आगे देखते हैं क्या होता है। कमेटी की हमें क्या पता कमेटी बन गई ना बन गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसान, मतलब हम गए नहीं सुप्रीम कोर्ट, हम क्यों गए सरकार को बताओ, सरकार गई सुप्रीम कोर्ट, कमेटी उसके लिए बनी होगी। हमारा तो संसद से कानून बना, हमें संसद से खारिज कराना लग रहा है मान जाएंगे 15 तारीख को। और तुझे तुम्हें लग रहा है कि हम मान जाएंगे? नहीं लग रहा तुम्हें हम मान जाएंगे? देखिए सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है रंगा बिल्ला जोर कितना बाजुए कातिल में। इन्हें रंगा बिल्ला को बता दियो। और दूसरी चीज, एक चीज और बताए तू, जब से सुना है मरने का नाम जिंदगी है, सर पे कफन बांध के कातिलों को ढूंढ रहा हूँ, कातिल कौन है रंगा बिल्ला? आज तक तो झुके नहीं मोदी जी। तो किसान भी नहीं झुका, 1906 में गोरे अंग्रेज भगाए 9 महीने तक, और जी 1987 में मेरठ में 27 दिन उत्तर प्रदेश सरकार झुकाई, 1988 में वोट क्लब पर 7 दिन रह के केंद्र सरकार झुकाई, और हम वो हैं जिसने नू कह दी ना कड़, अपने घर बुला के और करवे शहर दोपहरी में पानी भी पिया दे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को वीर बहादुर को। मोदी जी है ना ये तो, है? ये तो मोदी जी है। और ये भी किसान है बता दियो, और झुका के दिखा दिया ना, दिखा दिया ना, एनजीटी के उस पे पराली पे लगाया था, वापस लेने को तैयार बैठ गया ना। तो हम तो वो हैं कि जिसका गेयर बक्सा ना हो, गेयर बक्सा फिट कर दे, बैक गेयर लगा दे, तो वो तो किसान है हम। वो तो आपका फायदा चाहते हैं ना। कौन? वो फायदा करना चाहते हैं। कौन? मोदी जी फायदा चाहते हैं। कहा फायदा चाह रहा है? फायदा होता तो खाट छोड़ के सड़क पे पड़ते क्या यहाँ? वो कहते हैं कि हम इन्हीं का फायदा चाहते हैं, 70 सालों से जो नहीं हुआ वो अब करना चाहते हैं। अरे वही तो हम मना कर रहे कि जो 70 साल से ना हो या उसे मत करे, 70 साल से फांसी ना लगी थी, अब वो सारों के लगेगी। अब फांसी लगने जा रही है। नहीं, वो कह रहे हैं कि इससे आपका ही फायदा हो। है? आपका ही फायदा हो। यार वो एक आदमी कह रहा, और यहाँ जो है 70% कह रहे के नुकसानदायक है, तो कौन ठीक है भाई? 90 करोड़ तो मना कर रहे हैं। कानून बनाया सरकार कह रही है कि 15 तारीख को जो फिर बैठक होने वाली है किसानों और सरकार के बीच, तो उस बात कह रहे हैं कि इसमें आपकी हल निकाल लेंगे। क्या वजह है? क्या सुप्रीम कोर्ट के सारे हल निकालेंगे? कैसे हल निकालेंगे? अब ये तो उन्हें पता होगा कहवेरे। तो हल किसके पास है? हल सरकार के पास। हल है संसद के पास, सरकार के पास। तो इस बार उम्मीद है कि देखिए हम तो हमेशा उम्मीद रखे हैं, करना ना करना उन्हें, लेकिन बिल वापसी तो घर वापसी, और बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं।